हाई गाइस, वेलकम वंस अगेन टू हाई टेक रिव्यू। सो आज जो है हम लोग रेडमी नोट 7 का प्रोज एंड कॉन्स का रिव्यू करने वाले हैं। मैंने एक पूरा प्रॉपर लिस्ट कर लिया है इस डिवाइस का क्या खासियत है और क्या क्या बुरा चीज़ है इस डिवाइस में, तो उसके बारे में हम लोग थॉरली बात करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे रेडमी नोट 7 का गिव अवे चल रहा है दोस्तों, वो ऊपर में यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, थोड़ा लिंक फॉलो कर लीजिए तो आप जीत सकते हैं एक रेडमी नोट 7 जो कि यह है, ये सेम डिवाइस में गिव अवे करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इस डिवाइस के खासियत यानी कि प्रोज की, ठीक है, क्या क्या प्रोज है इस डिवाइस में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोज यानी खासियत मुझे इस डिवाइस की लगी वो है दोस्तों इसका डिस्प्ले क्वालिटी। ओके, इसका डिस्प्ले क्वालिटी जो है आप देख सकते हैं ब्रिलियंट डिस्प्ले क्वालिटी है, व्यूइंग एंगल वगैरह जो है आप यहां से देख सकते हैं बढ़िया है दोस्तों, और सनलाइट विजिबिलिटी भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। सनलाइट में भी आपको डिस्प्ले देखने में कोई भी असुविधा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और सो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। और एक बार डिस्प्ले में मैं बोलूंगा दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट दोस्तों, सामने और पीछे दोनों साइड में ग्लास दिया गया है और दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट दिया है, तो अगर आपको पॉकेट में ये कोई कॉइन वगैरह कीचेन वगैरह होता है तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 है। हाँ दोस्तों, लेकिन ये बेन टेस्ट करने के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 नहीं है या फिर हैमर से इसको मारने के लिए वैसा कोई ग्लास अभी तक निकला नहीं है दोस्तों इंडिया में। अगर कोई वो दिखाता है ना तो वो गलत दिखाता है, तो इसको आप हैमर से मारेंगे तो ये 100% टूटेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मामूली सा स्क्रैचेस है कॉइन वगैरह पिन यानी हम लोगों के पॉकेट में जितने भी डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो सबको ये सहन कर सकता है, तो ये है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। तो उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद जो बिल्ड क्वालिटी, इसमें भी एक कुछ चीज़ मेंशन करने हैं दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी जो है 10,000 के प्राइस में Xiaomi InBar जो दिया इस बार वो ताबड़ तोड़ दिया है, मार्केट में आग लगा दिया है Xiaomi ने, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों साइड में ग्लास का बिल्ड क्वालिटी और उसके साथ गोरिल्ला ग्लास 5, फिर से मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही सस्ता ग्लास नहीं होता है, गोरिल्ला ग्लास 5 नॉर्मल ग्लास से थोड़ा प्राइसी होता है, तो दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट के साथ बिल्ड क्वालिटी वगैरह वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, फ़ोन बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। मैं आप लोगों को कहूंगा इसका ब्लू वर्शन और रेड वर्शन प्रेफर ज़्यादा करिए, ब्लैक थोड़ा डल लगता है, हालांकि मुझे रिव्यू के लिए लेना पड़ा है तो खुद के लिए तो लूंगा तो मैं ऑब्वियसली रेड कलर लेता क्योंकि वो मुझे बहुत ही पसंद आता है, लेकिन रेड कलर का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था 3GB 32GB का वर्शन में, और क्योंकि ये डिवाइस मुझे गिव अवे में देना है तो मैंने जल्दी से ले लिया था। उसके बाद बात करें ऑडियो क्वालिटी की, जो और पोस्ट को है दोस्तों, अगर आपको ध्यान है आप कोई MI A1 यूजर है तो नीचे कमेंट्स करिए दोस्तों कि मैं MI A1 यूजर हूँ। Xiaomi ने बहुत ही खतरनाक साउंड आउटपुट दिया था MI A1 में, हालांकि हेडफोन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पीकर का बात अभी तक नहीं कर रहा हूँ। तो हेडफोन आउटपुट इस डिवाइस में बहुत ही बढ़िया, आप थोड़ा JBL वगैरह का हेडफोन यूज़ करेंगे, उतना महंगा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, 700-800 का भी हेडफोन यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही कमाल की साउंड आएगा, कमाल की बेस आउटपुट आएगा हेडफोन में, आप खो जाएंगे जस्ट म्यूजिक सुनते हुए। तो हेडफोन आउटपुट अच्छा है, लाउड स्पीकर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, हालांकि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि Redmi Note 6 का स्पीकर इससे थोड़ा ज़्यादा लाउड था, लेकिन उसमें बेस नहीं था दोस्तों, इस स्पीकर में भी हल्का सा बेस आपको मिलेगा जो कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। उसके बाद बात करूँ दोस्तों नोटिफिकेशन की, तो इस डिवाइस में भी नोटिफिकेशन LED दिया गया, आप जानते हैं Realme 3 में नोटिफिकेशन LED मिस है, नहीं है LED नोटिफिकेशन, लेकिन इस डिवाइस में नोटिफिकेशन LED है, हालांकि बहुत ही छोटा है, एक कलर का जलता है, ओनली व्हाइट कलर का मिलेगा आपको, यहाँ पर इस जगह पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन LED दिया गया है, उसके लिए थम्स अप Xiaomi को कि उन्होंने बेसिक फीचर्स जो है भूला नहीं। और एक बात मैं बात करूंगा कि इंफ्रारेड ब्लास्टर जिसको बोलते हैं हम, IR ब्लास्टर भी बोलते हैं, तो वो भी इस डिवाइस में दिया गया है, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, और हाँ 3.5mm जैक भी दिया गया है, ये जोक था। ओके, उसके बाद बात करूँ तो कैमरा टू API का सपोर्ट, हाँ दोस्तों इस डिवाइस में कैमरा टू API का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ओके, तो आप गूगल कैमरा इस डिवाइस में आराम से यूज़ कर सकेंगे। इसका कैमरा रिव्यू दोस्तों बहुत ही जल्दी आएगा, उसमें हम फिर से कांच काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा इमेजेस अलग अलग तरीके के इमेज हमको कैप्चर करना पड़ता है। इसका एक 10 मिनट का कैमरा रिव्यू आएगा, उसके साथ बहुत ही ताबड़तोड़ सैंपल आएगा। और एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ दोस्तों, कैमरा ऐप्स में आपको इसमें वीडियो का ऑप्शन जो है उसमें 1080p तक रेस्ट्रिक्टेड है वीडियो। ओके, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो 1080p तक ही आएगा,
और एक चीज दोस्तों मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इस वीडियो मोड में आप देखे हैं ना कैमरा थोड़ा हैंग करता है, ये मैं बाद में बोलूंगा, आपने देख लिया ना, ऐसा ही देखते रहिए, मैं बाद में बोलूंगा कि कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद सेटिंग्स में आओ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1080p 120fps तक का है, और 1080p 30fps, 1080p 60fps भी है, और स्लो मोशन के ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप जीकैम यूज़ करेंगे तो आपको 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, जो कि और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद बात करूँ वोल्टी की दोस्तों, हाँ दोस्तों इसमें दोनों सिम में वोल्टी काम करता है, एक साथ काम करता है, वोडाफोन एयरटेल सबका वोल्टी मैंने चला के देखा है, यहाँ पर कोलकाता में कोई भी इशू नहीं है, मक्खन की तरह काम करते हैं, कॉलिंग में कोई भी इशू नहीं है। और कॉलिंग से लेके और एक चीज़ है वो कौन सेक्शन में बोलूंगा, आप याद में रखिए, जुड़े रहिए हमसे और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। और गिव अवे के लिंक यहाँ पर आई बटन में दिया है, आप रेडमी नोट 7 जीत सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो उसके बाद बात करूँ दोस्तों, उसके बाद जो खासियत है USB-C टाइप का, 10,000 रुपये में आपको USB-C टाइप, तो फिर कौन, वो भी कौन दे रहा है, Xiaomi। आई थिंक अब जो अलग मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर है वो भी आई थिंक USB-C में मूव करेगा, क्योंकि Xiaomi जो देता है ना बजट में, उसके बाद ही अलग कंपनी वो सब चीज़ बजट में ला रहा है। लेकिन Samsung ट्राई किया था M20 के साथ, ये मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन 10 के नीचे तो नहीं आया था, 11,000 में आया था, लेकिन 10 के नीचे Xiaomi लाया है। हाँ Lenovo भी लाया था, Lenovo का K9 के साथ, उसका अलग बात है, उसके बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद बात करते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर की, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिखा देता हूँ, ब्लेजिंग फास्ट, ये देखिए आपके सामने ही खुल रहा है ब्लेजिंग फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर। उसके बाद बात करूँ CPU दोस्तों, स्नैपड्रैगन 660 मिलता है आपको 10,000 रुपया में, स्नैपड्रैगन 660 कौन देता है यार। हाँ अभी आसूस भी दे रहा है, ये भी ध्यान में रखिए, लेकिन वो अंडरक्लॉक्ड वर्शन है, ये लेकर बहुत ही धमाल चल रहा है मार्केट में कि 1.9 GHz बेटर है या फिर 2.2 GHz बेटर है, लेकिन यहाँ पर आपको 2.2 GHz का, जैसे कि आप देख सकते हैं, फुल फ्लेज स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर दिया गया है, थम्स अप Xiaomi। उसके बाद बात करूँ तो सॉफ्टवेयर की दोस्तों, Xiaomi ने इस बार पाई दे दिया, मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था, Xiaomi पाई कैसे दे सकता है, वो तो ऑडियो दे सकता है, लेकिन Xiaomi ने आउट ऑफ द बॉक्स पाई दे दिया, ये ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ पाई के बाद का सॉफ्टवेयर वर्जन कब आएगा ये मुझे मत पूछिए, ठीक है, मुझे भी मालूम नहीं है। उसके बाद बात करूँ तो सेंसर की दोस्तों, डिवाइस में हर तरह की सेंसर अवेलेबल है, और ऑटो ब्राइटनेस सेंसर में थोड़ा इशू है, थोड़ा बग है, ये बाद में बात करूँगा। तो ये सब था दोस्तों इस डिवाइस का प्रोज, अभी चलते हैं इस डिवाइस का कॉन्स में। पहला कॉन, कैमरा में बहुत ही बग है दोस्तों, ये मुझे स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कैमरा का तो एटलीस्ट नहीं लग रहा है, Xiaomi को इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जब भी हम कोई कैमरे से पिक्चर लेते हैं ना, मैं आपको लाइव डेमो दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए पिक्चर प्रेस किया, देखना चाहता हूँ, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, कितना देर बाद आएगा देखिए, देखते रहिए कब पिक्चर आएगा, मैं प्रेस करते हुए जा रहा हूँ, अब आ गया, 5-6 सेकेंड बाद पिक्चर ऑन हो रहा है, सो इसको तो बग ही बोल सकते ना, और कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपके डिवाइस में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आप एक नोट 7 यूजर है, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो ये सिर्फ मेरा डिवाइस में भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद बात करूं तो कलर वर्शन जो है ना दोस्तों, ये 10,000 रुपये के वर्शन में सिर्फ ब्लैक कलर Xiaomi अवेलेबल कर रही है, ये तो मुझे बहुत ही खराब लगा, ब्लैक कलर देखने में उतना अपीलिंग नहीं लगता है, उसीलिए क्या वो लोग ब्लैक कलर सेल कराए पहले, उसके बाद दूसरा कलर सोल्ड करेगा, Xiaomi कम ऑन, आपका जो फैन लोग है वो तो फर्स्ट सेल में ही प्रोडक्ट लेता है ना, ना कि लास्ट सेल में, तो उनके लिए एटलीस्ट कलर लाइए, जल्दी से लाइए। तो ये सजेशन Xiaomi के है मेरे तरफ से। तो उसके बाद और एक बग की मैं बात करूँ, ये भी मुझे बग ही लगता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ठीक हो सकता है, कॉल क्वालिटी इशू दोस्तों, यहाँ पर जो माइक्रोफोन है ना, कॉल क्वालिटी वॉल्यूम थोड़ा लो लगा मुझे, हालांकि उतना भी लो नहीं लगा, लेकिन क्लियरिटी उतना अच्छा नहीं है कॉल के मामले में, क्योंकि फ़ोन का तो बेसिक फीचर कॉलिंग ही है ना, तो उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, इन कॉल साउंड उतना बढ़िया नहीं दे रहा है। तो उसके बाद बात करूँ एड्स, इसको लेके तो आप बहुत सारे लोग बहुत बात करेंगे, एड्स क्यों आता है मेरे डिवाइस में, Xiaomi क्या एड्स ही देता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा,
एड्स जो है आप आराम से डिसेबल कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर इसको लेके वीडियो बना रहा है, एड्स क्यों आता है, एड्स क्यों आता है। अरे भैया, एड्स डिसेबल किया जा सकता है, प्लीज डिसेबल कर दो। ऑनलाइन रिकमेंडेशन को ऑफ कर दो, और एक MSA करके फाइल है उसको भी ऑफ कर दो, तो ऐड नहीं आएगा आपका फोन में। मैं Xiaomi का डिवाइस बहुत दिन से यूज कर रहा हूं, मेरे पास Redmi 6 Pro भी है, उसमें भी पहले दो तीन एक हफ्ते बाद ऐड आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने उनका MIUI फोरम में भी एक पोस्ट है, उसको फॉलो करेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ऐड नहीं आएगा आपका डिवाइस में। वो सैमसंग में भी लॉक स्क्रीन में है, जैसे कि ऐसा देखिए, Xiaomi में भी लॉक स्क्रीन में है, जो कि मैंने लॉक स्क्रीन ये देखिए ऐसा भी है, ऐसा आएगा। वो आपको वॉलपेपर कर्सर कोल का एक ऐप है, उसका बंद कर सकते हैं तो नहीं आएगा, नहीं तो ऐसा आएगा। लेकिन डिवाइस के अंदर जो ऐड आया ना, वो सब आप आराम से डिसेबल कर सकते हैं। ऑनलाइन रिकमेंडेशन को बंद कर दीजिए। उसके बाद बात करूँ तो एबिलिटी, दोस्तों अभी भी बोलूँगा मैं, बहुत सारा लोगों ने ये कमेंट्स किया है मुझे फास्ट सेल में क्यों नहीं मिला Redmi Note 7। तो Redmi Note 7 में ये हालत है, तो Note 7 Pro में क्या होगा आप समझ सकते हैं ना। आई डोंट नो, मुझे तो रिव्यू यूनिट भी नहीं दिया, मैं रिव्यू कर सकूंगा या फिर नहीं कर सकूंगा मुझे पता नहीं Redmi Note 7 Pro का, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए फास्ट सेल में खरीदने का। अगर मिल गया तो रिव्यू कर देगा, नहीं मिला तो बहुत सारा डिवाइस आ रहा है दोस्तों, अगले महीने भी बहुत सारा डिवाइस लॉन्च होगा, उसका कवरेज कर लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था Xiaomi का प्रोज एंड कॉन। और एक चीज़ के बारे में बात मैंने नहीं किया, वो है बैटरी, क्योंकि अभी 3-4 दिन हुआ है मैं इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इतना जल्दी मैं बैटरी के बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे बैटरी कुछ ठीक ठाक नहीं लगा है, 4000 mAh, हालांकि मैं 5000 mAh का डिवाइस आया हूँ तो लग सकता है दोस्तों। लेकिन बैटरी ख़राब नहीं है, ये भी नहीं करूँगा, बहुत ही अच्छा ये भी नहीं कहूँगा। हाँ दोस्तों, लेकिन चार्जेस बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। मेरे पास 2 ampere का चार्जर है, उससे भी बहुत ही फास्ट चार्ज होता है ये डिवाइस, ये मैं कह सकता हूँ। ये डिवाइस बहुत ही फास्ट चार्ज तो है सपोर्ट इसमें, लेकिन नॉर्मल 10 ampere के चार्जर जो प्रोवाइड किया गया ना बॉक्स में, उससे भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी फ़ोन चार्ज हो सकता है। सो दैट्स इट गाइस, ये तो था Redmi Note 7 का फुल रिव्यू या फिर प्रोज एंड कॉन्स रिव्यू, आप जो भी बोल सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्त लोगों के साथ। और हाँ दोस्तों, हमारा Redmi Note 7 का गिव अवे चल रहा है, उसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए, आप भी जीत सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में लिंक है, देख लीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, विश शोविक मित्रो, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।